Hi, good evening to all my future MNS officers. कैसे हैं आप सब? Welcome back to my channel. So, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ये वीडियो जनरल नॉलेज पे है जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं विद आंसर्स हैं एंड विद डिटेल्स हैं. तो आपको और ज्यादा नॉलेज मिलेगा एंड प्लीज एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना और मैंने डिटेल्स भी दिए हैं उसको भी अच्छे से पढ़ना. कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर कमेंट कर देना. जो पहला है, Which of the following is the oldest mountain range in India? ठीक है, तो पहले जब भी मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ पहले आप अपना आंसर अपने माइंड में रख लो अगर आपको आते हैं तो. सो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरावली. ये मैंने यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिए हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ लो. ठीक है, मैंने इनको पढ़ा नहीं है बिकॉज वीडियो लंबी बन जाती तो आप लोग देख नहीं पाते, इसलिए मैंने इनको डिटेल्स प्रोवाइड कर दिए, आप लोग इनको पढ़ लेना. ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल इन इंडिया. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर और ये कुछ डिटेल्स हैं आंसर्स के, तो आप इसको पढ़ सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच प्रोविजन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्सप्लेनेशन ऑफ चिल्ड्रन. ठीक है, तो आर्टिकल्स भी पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई एक क्वेश्चन आ सकता है आर्टिकल्स पे. ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 24, ऑप्शन डी. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ये एक्सप्लेनेशन है. ठीक है, सारे आंसर्स के मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखा है इस वीडियो में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज. So, the right answer is, answer D, maintenance of ecosystem. And नीचे explanation दे रखा है, इनको जरूर पढ़ना. ठीक है, next question is, now move to the next question, the project Tiger in India was started in. आप लोगों ने पढ़ा होगा project Tiger के बारे में. ठीक है, तो ये कब start हुआ था? So, इसका जो right answer है, वो है option B, 1973. तो ये इसके नीचे डिटेल्स दे रखा है, इन्हें जरूर पढ़ लेना. नेक्स्ट है क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस इन इंडियन कम्स फ्रॉम. ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, यही है बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज इस वीडियो में लेके आई हूँ. ठीक है, एंड तक वीडियो देखना. सो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बॉम्बे हाई. ओके, नीचे डिटेल्स है, डिटेल्स जरूर पढ़ना. ठीक है, स्किप मत करना, अदरवाइज आप लोग के लिए प्रॉब्लम होगा. नेक्स्ट है, द मेन रोल ऑफ सोलर रेडिएशन इज इन. ये तो सबको पता होगा. हाँ, आप लोगों ने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चंस आते हैं. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, वॉटर साइकिल. और ये है कुछ डिटेल्स, आप इनको पढ़ लेना. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A legislative bill may be introduced in which house of parliament? So, ये questions, इस type के भी questions आते हैं. ठीक है, तो ये राज्यसभा, लोकसभा, इन सब के बारे में भी थोड़ा डिटेल गूगल से पढ़ लेना आप लोग. ठीक है, सो द राइट आंसर इज सी, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, तो ये कुछ डिटेल है नीचे, उसके बारे में इस आंसर का पढ़ लेना. नेक्स्ट है 28 फरवरी, जो 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज डेफिनेटली याद कर लेना, एक क्वेश्चन तो पक्का होगा. ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन ओर्स इज माइंड एट बायलदेलिया. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हेमेटाइट. ठीक है, इसके बाद नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज ध्यान से पढ़ना. नेक्स्ट इज, द नर्मदा वैली लाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस. तो ये कुछ ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सारे जनरल नॉलेज के टॉपिक्स में लेके आई हूँ क्वेश्चंस हैं ये, तो प्लीज इनको अच्छे से पढ़ना. सो द राइट आंसर इज सतपुरा एंड विध्यांचल. ठीक है, तो इसके नीचे यहाँ पे डिटेल्स रखा है, आप इनको पढ़ लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रेडिएशन दैट इज अब्सॉर्ब्ड बाय ओजोन प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर इज.
एग्जाम्स में ऑप्शंस प्लस क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ना, ठीक है, कंफ्यूजन मत होना. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अल्ट्रा वायलेंट. इसके नीचे डिटेल्स रखा है, प्लीज इसको डिटेल्स जरूर पढ़ना, ठीक है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन से. तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया टू टर्न 100% ऑन सोलर एनर्जी इज, ठीक है, इस टाइप के जनरल नॉलेज क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है. सो द राइट आंसर इज दीव, ठीक है, दीव ऑप्शन बी. तो हाँ, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये अब मैं कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी बता रही हूँ. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वॉज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन द सील्स एंड टेट्राकोटा आर्ट ऑफ द हरप्पन कल्चर. सो इस राइट आंसर इज ऑप्शन ए, काउ. काउ इज द राइट आंसर, ठीक है, नीचे डिटेल्स है, इन्हें जरूर पढ़ना, ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुनामी वार्मिंग सेंटर इन इंडिया इज लोकेटेड इन. तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन सी, हैदराबाद. ओके, नीचे है, दे रखा है डिटेल्स, इन्हें जरूर पढ़ना. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्ट्री से रिलेटेड है. इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वॉज द अर्लिएस्ट जैन लिटरेचर कंप्लेंट. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अरध मगधी. ठीक है, तो हिस्ट्री से भी एक या दो क्वेश्चन आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बायोस्फीयर रिजर्व्स. ठीक है, सो राइट आंसर ऑप्शन ए है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन from sunlight causes the reaction that produce which of the following. ये इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट नोट करना, ठीक है, तो आई एम श्योर बहुत लोगों को पता होगा इसका आंसर. सो राइट आंसर इज सी, ओ थ्री. ठीक है, इसका राइट आंसर है सी, ओ थ्री. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्व एज अ बायो फर्टिलाइजर्स फॉर द राइस क्रॉप. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्लू ग्रीन एल्गे. सो आप लोगों ने पढ़ा होगा ब्लू ग्रीन एल्गे के बारे में 12th स्टैंडर्ड में, राइट, और हाँ एनसीईआरटी अच्छे से कर लेना, ठीक है, 12th की एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब कुछ उसी से बेस्ड है, तो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेना आप लोग. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, और नेक्स्ट वीडियो मैं किस पे बनाऊं और कौन से टॉपिक पे आपको डिफिकल्टीज हो रही है. ओके, थैंक यू सो मच.